भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब भाई नजर आएंगे आम्रपाली दुबे के साथ एक और आइटम नंबर करते हुए। पहले तो आप देख लीजिए इस आइटम नंबर की तस्वीरें और हम बताते हैं ये फिल्म कौन सी है। यह फिल्म है मेहंदी लगा के रखना 3। जी हाँ, मेहंदी लगा के रखना 3, जिसे यशी फिल्म बना रही है, जिसके निर्देशक है रजनीश मिश्रा। ये वही रजनीश मिश्रा है जिन्होंने मेहंदी लगा के रखना फर्स्ट डायरेक्ट की थी। और भाई अब आपको इस फिल्म में, यानी कि मेहंदी लगा के रखना 3 में, आपको वही रोमांस, वही कॉमेडी और वही अंदाज दिखेगा, क्योंकि फिल्म में बस हीरोइन अलग है, यानी कि शहर अफसा है काजल राघवानी की जगह। और भाई आपको तो पता है कि रजनीश मिश्रा और खेसारी लाल यादव की ये जोड़ी हमेशा जब भी साथ आती है धमाल मचाती है। फिल्म पे अच्छा खासा पैसा लगाया गया है, अभय सिन्हा की फिल्म है तो आप समझ सकते हैं कितना लार्जर देन लाइफ फिल्म होगी। और अब सोने पे सुहागा यानी कि तड़का लगा है इसमें आम्रपाली दुबे के डांसिंग नंबर का। जी हाँ, आम्रपाली दुबे को और खेसारी लाल यादव को साथ में देखने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो इन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये दोनों साथ में नजर आएं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, खेसारी और आम्रपाली दुबे एक साथ नजर आ रहे हैं इस फिल्म में एक आइटम नंबर करते हुए। इस आइटम नंबर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, ये आइटम नंबर कितना बेहतरीन होने वाला है। इसमें इन दोनों के लुक को देख लीजिए, काफ़ी डिफरेंट है। आइटम नंबर की जगह इसे हम अगर स्पेशल नंबर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आइटम का जमाना गया। वैसे अभी पिछले दिनों जब आम्रपाली का बर्थडे था तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ठुमके इसमें खेसारी लाल यादव ने लगाए थे। आम्रपाली के इस बर्थडे में काजल राघवानी भी नज़र आई थी। जो लोग कहते हैं काजल और आम्रपाली में नहीं पटती, उनके लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि इन दोनों एक साथ नज़र आ रही थी एक प्लेटफॉर्म पे। काजल राघवानी गई थी आम्रपाली को विश करने और वहाँ से ये बताया जा रहा है, सोर्सेस बता रहे हैं कि धीरे धीरे सही इन दोनों के रिश्तों में मिठास आ रही है। हो सकता है जिस दिन अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव एक साथ ज़रूर नज़र आएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।